नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल में। और हम यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो सीरीज में, जो कि है सरकारी योजनाएं। तो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है, हम इनको शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो किस तरह का लगा और किस तरह से वीडियो बनने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पर। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी लेक्चर, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा, जिससे आप अप टू डेट भी रहेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ पर जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो कृषि से संबंधित यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, जो योजना है, इसको हम यहाँ पर शुरुआत में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, स्थापना 1947 में हुई थी इसकी। इसके बाद मुख्यालय नई दिल्ली में है, क्षेत्र अधिकार भारत सरकार के अधीन आता है, वार्षिक बजट है 41,855 करोड़ रुपए 2017-18 के डाटा के अनुसार। यूएस में अगर डॉलर की देखी जाए तो 5.8 बिलियन यूएस डॉलर के रूप में इसका जो बजट है वह है। इसके बाद विभाग हैं जो कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण, तो किसानों से संबंधित है। और यहाँ पर जो पुरुषोत्तम रूपाला है, यह राज्य मंत्री है। आपको बताना है कि कृषि मंत्री कौन है। हम आप यहाँ पर कमेंट में इसका आंसर जरूर दें, इम्पोर्टेंट है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर यह राज्य मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं जो, उनका नाम आपको बताना है। इसके बाद कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि के बारे में पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। तो कृषि के जो प्रकार हैं वह समझ लिए आप, समझ लें। पशु उत्पादन, तो देखिए पशुओं से संबंधित जो खेती की जाती है, जो पशुपालन किया जाता है, उसको भी कृषि में यहाँ पर रखा जाता है, इसके अंदर की एक ब्रांच मानी जाती है। तो कृषि उत्पादन हो गया, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मुर्गी पालन हो गया, या इसके बाद आप देख सकते हैं यह यहाँ पर जो सुगर की खेती की जा रही है, यह जो सुगर होते हैं। इसके बाद मधुमक्खियाँ की जो खेती होती है, हनी बी वगैरह होती हैं जो, इनकी खेती भी होती है यहाँ पर। इसके अलावा इस फील्ड में मछली उत्पादन है जो, यह भी होते हैं। तो यह ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर किसानों को फायदा हो सकता है, क्योंकि जो मेन खेती होती है, जैसे फार्मिंग कहते हैं या खेतों में अनाज वगैरह उगाते हैं, उसमें ज़्यादातर नुकसान होता है। लेकिन यह कुछ ऐसी फील्ड है जिसमें इनको फायदा हो सकता है, इनकी जो इनकम है उनमें इंक्रीज या उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। अब देखिए इनके अलग अलग नाम है, जैसे हॉर्टिकल्चर होता है, फिर एग्रीकल्चर, यह कुछ इस तरह की अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो इसको आप देख लें। हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। इसके बाद अगर देखें फसल उत्पादन वाली जो फसलें हैं इनको देख लें, तो देखिए यहाँ पर जो टमाटर वगैरह होते हैं, सब्जियों की खेती अलग से होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो चाय की जो खेती है उसकी अलग यहाँ पर खेती होती है, गन्ने की खेती हो रही है। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो जो सब्जियां हैं, फल हैं, फल हो गए, उसके बाद जो फूल हैं उनकी खेती अलग होती है। तो इस तरह की कुछ अलग अलग ब्रांच हैं जो विभिन्न प्रकार की यह खेती होती है। और एक जो प्रकार की खेती है हम यहाँ पर देख ही चुके हैं, गन्ने की खेती हो गई जो कि खेतों में फसल उगाई जाती है। इसके बाद चना, जैसे चना गेहूं वगैरह हो गए, इस यह सब प्रकार की खेती भी इसके अंदर आती है जो इसमें की जाती है। तो यह अलग है। और ज्यादातर कौन सी खेती हमारे यहाँ पर होती है, यह जो गन्ना हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गए, चने, सोयाबीन, तो इस इन सब की खेती यहाँ पर ज्यादातर आपको नजर आएगी। अब इसके बाद एक और अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको समझ लेते हैं पहले हम। भारत में अगर आप देखें तो कृषि और समृद्ध उद्योग, इसकी रिपोर्ट समझें आप, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारत की लगभग 58%, यानी 60 से भी अधिक, लगभग 60 से 70 के बीच में है यह, 58 एक्यूरेट नहीं है। तो 60 से 70% जो आबादी है हमारी कृषि पर निर्भर करती है। तो प्राथमिकता है जो कृषि है, इसकी जो आजीविका है कृषि पर निर्भर करती है, इतने प्रतिशत आबादी की, लगभग 60 से 70 करोड़ लोग कृषि पर डिपेंड हैं हमारे यहाँ पर। इसके बाद अगर आप देखें तो किसानों की स्थिति देख लेते हैं अगर हम यहाँ पर, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। तो देखिए जिस तरह से जो 60 से 70 करोड़ लोग कृषि पर आधारित हैं, तो उनमें से बहुत सारे किसान हैं जो कि खेती करते हैं, जो कि यहाँ पर इन सब की पूर्ति करते हैं, इतने लोगों के लिए खाना वगैरह अपने खेतों से उगाते हैं, तो हमें इनका आभार मानना चाहिए। अब हम इनकी स्थिति अगर यहाँ पर देखें तो कितनी यहाँ पर गिर चुकी है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया है, इसकी रिपोर्ट है,
कुल 2,96,438 भारतीय किसान हैं जिन्होंने 1995 से लेकर 2018 के बीच में आत्महत्या की है। तो जो किसानों की स्थिति है काफी गंभीर है, लगभग 3 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है अभी तक। 295 का यह रिकॉर्ड है, इससे पहले का रिकॉर्ड अभी हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है इस वीडियो में। लेकिन अगर आप टोटल ओवरऑल देखें तो काफी मात्रा में, जो बड़ी मात्रा में यहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं आज के समय में। 2018 तक अगर आप देखें तो अकेले महाराष्ट्र में देख लें आप, किसानों की संघ जो स्थिति है सबसे ज्यादा गंभीर है। हर दिन औसत 10 आत्महत्याओं का औसत निकला है। तो ऐसा औसत निकाला गया है कि हर दिन 10 किसान आत्महत्या कर रहे हैं आज के समय में। तो देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं कितनी गंभीर स्थिति होगी। और 1995 से 2018 तक यहाँ पर केवल 3 लाख में से 60,000 किसानों ने आत्महत्या की है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर ज्यादातर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब इन सब के लिए जो कार्यकर्ता हैं, विद्वान लोग हैं, क्या बोलते हैं इन किसानों की आत्महत्या के लिए? कई परस्पर विरोधी कारण की पेशकश की है। बहुत सारे इनके द्वारा जो कारण हैं वह बताए गए हैं, जो हमारे विद्वान हैं, ज्ञानी लोग हैं, जानते हैं, चीजों को समझते हैं उनके द्वारा। और उनमें से कुछ हैं, उच्च ऋण बोझ। जो ऋण बोझ है काफी उच्च है, काफी बड़ा है। इसके बाद सरकार की जो नीतियां हैं खराब हैं, अच्छे से नहीं है। इसके बाद सब्सिडी भ्रष्टाचार, सरकार की कुछ नीतियां अच्छी हैं लेकिन भ्रष्टाचार ज्यादा है, तो किसानों तक लाभ नहीं पहुंच पाता योजनाओं का। इसके बाद मानसून की विफलता, सबसे गंभीर कारण ये है मानसून। आज के समय बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ आई है, लेकिन उनमें से कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर सूखे की स्थिति नजर आ रही है। इसके बाद अगर आप देखें सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य, तो इन सब समस्याओं से क्या होता है, किसानों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वह बिगड़ता है, क्योंकि इन्हें फायदा नहीं होता है, इनके ऊपर बोझ बढ़ता जाता है, कर्ज बढ़ रहा है, इन्हें लाभ नहीं हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है, तो मानसिक स्थिति इनकी बढ़ जाती है, भयानक हो जाती है। उसके बाद ये क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत मुद्दे और पारिवारिक समस्या है। अब देखिए जैसे कोई किसान है, उसके यहाँ पर कुछ खेती वगैरह नहीं हो रही है, बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाई करवानी, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे लगाने हैं, तो इस तरह की पारिवारिक समस्याएं हैं, उनका भी एक यहाँ पर रोल है जिसके कारण किसान आत्महत्या यहाँ पर करते हैं। तो यह कुछ कारण हैं। अब अगर इसके बाद देखा जाए तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो सरकार यहाँ पर योजनाएं बनाती है ताकि जो अभी हमने यहाँ पर देखी तो उन सब समस्याओं का समाधान यहाँ पर मिल सके। तो भारत सरकार ने मंत्रालय, समय समय पर योजनाओं नामक विभिन्न सरकारी कार्यक्रम, योजनाएं हैं क्या, तो सरकारी जो कार्यक्रम है विभिन्न प्रकार के सरकारी क्रम के साथ आए हैं। ये योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्रीय राज्य विशिष्ट या संयुक्त सहयोग हो सकती हैं। तो किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए, उन्हें थोड़ा बहुत लाभ देने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती है जिसे हम योजनाएं कहते हैं। राज्य के साथ मिलकर काम करती है केंद्र सरकार, तो इस तरह की कुछ यहाँ पर एक कोशिश की जाती है ताकि किसानों को यहाँ पर थोड़ा लाभ हो, जो स्थिति है किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसको रोका जा सके। अब इसके बाद जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं योजना, उसको देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको कब लागू किया गया था, कब यह योजना आई थी, 2016 में इस योजना का उद्घाटन किया गया, यह योजना आई। भारत सरकार ने जो इस योज 2016 से पहले कुछ योजना चल रही थी, बीमा योजना, इन सबको वापस ले लिया। इनमें से कुछ योजना है जैसे कि आप देख सकते हैं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना हो गई, मौसम आधारित फसल बीमा योजना हो गई, तो इन सबको वापस लिया, इन सबको बंद किया। और यह जो योजना है संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, तो जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है इसको संशोधित करके प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई। पहले नाम था राष्ट्रपति कृषि बीमा योजना, अब नाम हो गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ पर इसको संशोधित किया गया और कुछ योजनाएं बंद की गई। अब इस योजना के कुछ जो योजना है उसके बारे में हमें अंदर से जान लेते हैं इंफॉर्मेशन। तो जो प्रीमियर है इस योजना में किसानों को किस तरह से लाभ होगा, तो जो फसलें हैं उनका बीमा होगा, जिस तरह से आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो आपको अगर कोई चोट लगती है, आप एक्सीडेंट होता है तो आपको मुआवजा मिलेगा। अगर आपका एक्सीडेंट में मृत्यु वगैरह हो जाती है तो आपके घर वालों को पैसे मिलेंगे उसके, तो कुछ इस तरह का होता है ये। ऐसा ही कुछ खेती में किया गया है, अगर फसल को नुकसान होता है या फसल नष्ट हो जाती है तो किसानों को यहाँ पर भुगतान किया जाएगा, जिससे कि किसानों की जो लागत लगी है या फिर जो किसानों की जो मेहनत हुई है
तो किसानों के ऊपर बर्डन ना पड़े, तो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में कुछ पॉइंट है उसमें देख लेंगे। तो यहाँ पर जो योजना है इसमें प्रीमियम रहेगा। तो अब देखिए, जैसे आप बीमा करवाते हैं तो आपको महीने पर या साल में कुछ पैसे जमा करने रहते हैं, उसी तरह का है यहाँ पर। तो किसानों को खरीफ की फसल, अब देखिए फसल दो प्रकार की होती है, अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो यहाँ पर खरीफ की फसल है, अभी बारिश के बाद जो ठंड आ जाती है यहाँ पर, सर्दी का सीजन आ जाता है, तो उसे रबी की फसल बोला जाता है। तो यहाँ पर के लिख देते हैं हम खरीफ की फसल के लिए, आर लिख देते हैं रबी की फसल के लिए। तो जो खरीफ की फसल है यानी कि जो अभी सीजन बरसात के सीजन में आती है, इसको इसमें कितने प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा, जो किसान है इसको 2% भुगतान करना पड़ेगा। यह वार्षिक रूप से है, मंथ में नहीं, वार्षिक रूप से है। जो भी किसान की लागत है, जो भी किसान की खेती है, जितना वह उत्पादन करता है, उसका 2% यहाँ पर किसान को वार्षिक रूप से जमा करना होगा, भुगतान करना होगा। इसके बाद अगर रबी फसल की बात की जाए तो इसमें 1.5% का प्रीमियम यहाँ पर देना होगा, पैसों का भुगतान करना होगा इतना। इसके अलावा कुछ हमने फसलों के प्रकार देखे थे, उनमें से कुछ फसलें थी जैसे कि वाणिज्यिक और बागवानी, यानी कि फल फूल की सब्जी होती है, फ्रूट्स की सब्जी होती है, तो कुछ अलग तरीके की सब्जी होती है, सब्जी नहीं सॉरी फसलें होती हैं, खेती होती है, तो इनको देखा जाता है। तो कैश क्रॉप भी हम बोल देते हैं कई बार, जिनमें ज्यादा फायदा होता है, नुकसान कम होता है, फायदा ज्यादा होता है। तो अगर इनका प्रीमियम होता है तो यह 5% है, तो यह देख सकते हैं इसका प्रीमियम 5% है, यह आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यह योजना उन किसानों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने बैंकों से संस्थागत ऋण लिया है। तो जो किसान हैं, कई बार ग्रामीण इलाकों में बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक, किसान लगातार वहां से लोन लेते रहते हैं, तो उन्हीं वहां से जो लोन वगैरह लिए जाते हैं संस्थागत ऋण, तो उन्हीं किसानों के लिए तो यह अनिवार्य है। लेकिन कुछ है, कुछ वैकल्पिक भी हैं जो जिन्होंने संस्थागत ऋण नहीं लिया है, जो एक निश्चित रूप से ऋण नहीं लेते हैं, उनके लिए यह वैकल्पिक है, वह चाहें तो बीमा करवा सकते हैं फसल का और चाहें तो नहीं भी करवा सकते। लेकिन जिन्होंने संस्थागत बैंकों से ऋण लिया है, वह उनको बीमा करवाना यहाँ पर अनिवार्य बताया गया है। अब इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, इसका उद्देश्य देख लेते हैं, क्या उद्देश्य है इसका। तो देखिए क्या हो रहा है, अभी हमने देखा किसानों की समस्या कितनी बड़े लेवल पर किसान आत्महत्या करते हैं। तो अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल हानि, तो क्या होता है, मौसम खराब हो जाता है तो कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती है, बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो इस तरह की कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, तो इनकी फसल में हानि होती है, क्षति होती है, तो इससे पीड़ित किसान हो जाते हैं, तो इनको एक तरीके से जो वित्तीय सहायता है यह प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा खेती में अपनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना, तो जो खेती में निरंतरता बनी रहे, किसान कई बार खेती छोड़ देते हैं, दूसरे व्यवसाय स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब से 60-70 करोड़ लोग, आधे से ज्यादा आबादी हमारी खेती पर निर्भर है, तो खेती है जो इसको बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन अगर कोई छोड़ के जाएगा तो हमारा जो खाना आता है आज के समय में खेतों से, किसानों की वजह से, वह कहाँ से आएगा आगे चल के। तो इसको सुनिश्चित करना, इसकी निरंतरता बनाए रखना है, इसलिए किसानों की आय को स्थिर करना है, यानी कि किसानों की आय में कमी नहीं होनी चाहिए, यह इसके कारण इस योजना को लाया गया है। इसके अलावा किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अब किसानों के पास अगर पैसे रहेंगे, किसानों के पास सिक्योरिटी रहेगी कि नहीं, अगर फसल नहीं निकलती है, खेतों से कुछ भी यहाँ पर लाभ नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम नुकसान भी तो नहीं होगा, पैसे तो आखिरकार मिल ही जाएंगे बीमा योजना से। तो इससे क्या होता है, किसानों में एक उत्साह आता है, एक नया लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, और वह नई वाली जो तकनीक है, आधुनिक तकनीक है, टेक्नोलॉजी, इनकी जो पद्धतियां हैं कृषि में, इसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर लाभ नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, तो एक चांस लेने का यहाँ पर रहता है कि एक चांस ले लेते हैं कि नहीं, करके देखते हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना, जो खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र के विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के अलावा उत्पादन जोखिमों में किसानों की रक्षा करता है। तो वही जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, अगर किसानों के पास एक निश्चित टारगेट यह रहेगा, निश्चितता रहेगी, वह निश्चिंत हो जाएंगे कि नहीं, हमें सरकार हमें यहाँ पर पैसे देगी, हमारा यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा सरकार के द्वारा, अगर फसल में नुकसान होता है तो सरकार के द्वारा उस नुकसान की पूर्ति की जाती है, तो किसान एक बड़े लेवल पर निकल कर आएंगे, प्रतिस्पर्धा होगी फिर किसानों में, और बड़े लेवल पर यहाँ पर खेती को किया जाएगा,
क्योंकि किसानों को पता है कि उनकी कहीं ना कहीं से रक्षा हो जाएगी। तो यह मनोवृत्ति बनाना है, एक लाभ देना है इस योजना के तहत। इसके अलावा आप देखिए बहुत सारी योजना आती हैं, तो योजनाओं के साथ क्या आती हैं, चुनौती आती हैं। तो चुनौती क्या है इस योजना के साथ, पर्टिकुलर योजना की बात की जा रही है हमारी, जो कि हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इस योजना के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, पर्याप्त पहुंच नहीं है, अपर्याप्त पहुंच है, और प्रवेश का मुद्दा है। तो बहुत ज्यादा इसकी पहुंच नहीं है, सभी को इस योजना के बारे में आज के समय में नहीं पता है। और आप देखेंगे गांव बस्ती में, पहाड़ी इलाके में लोग खेती वगैरह करते हैं, तो हर एक जगह पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता। तो यह एक समस्या बन जाती है इस योजना के लिए, कि योजना तो है, किसानों को इसके योजना का लाभ भी मिलेगा, लेकिन जब पहुंच ही नहीं है तो किस तरह से उसका लाभ ले पाएंगे किसान। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी समस्या है डेटा की कमी। अब सरकार के पास डेटा ही नहीं है कि कितने लोग खेती करते हैं, कितने लोग लोन लेते हैं, किस एरिया में किस तरह की खेती की जाती है। देखिए बड़े लेवल पर सबके पास सब डाटा है, सरकार है, सरकार के पास बहुत डाटा है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेटा रह जाता है, हर एक इंसान की जानकारी हर एक इंसान के पास नहीं पहुंच सकती है, तो डेटा की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। साथ ही किस एरिया में कितनी बारिश हुई, किसी गांव में बारिश हो रही, किसी गांव में बारिश नहीं हो रही, तो गांव बस्ती वाला इलाका रहता है तो वहां का जो डाटा रहता है वह सरकार तक नहीं पहुंच पाता है। कई बार खाऊखोरी हो जाती है, जो लोग हैं वह पैसे लेकर गलत इंसान का डाटा भेज देते हैं, गरीब लोगों का डाटा नहीं भेजते हैं। तो सरकारी कामकाज चलता है तो इस तरह से काम चीजें होती रहती हैं, और जो सरकार के पास सही डाटा पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा दावों का कम भुगतान, तो जहां पर बड़े लेवल पर जो किसान हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, तो बहुत सारे लोग खेती करते हैं, तो जो दावे भी बहुत सारे करते हैं यहाँ पर, लेकिन भुगतान है जो उतना नहीं होता है, जो दावा किया गया है उतना भुगतान नहीं मिल रहा है। कई बार कि यहाँ पर क्या होता है, किसानों का नुकसान ज्यादा हो रहा है, उन्हें भुगतान ही बहुत कम मिल रहा है, टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो जो भुगतान है वह भी एक समस्या यहाँ पर बनकर आता है, निकल कर आता है। इसके अलावा फसल क्षति के आकलन में अंतराल, तो जो फसल क्षति है इसमें अंतराल, देखिए जैसे अभी बारिश खत्म हो गई तो हमें पता चलना चाहिए तुरंत, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, सैटेलाइट का उपयोग करना चाहिए कि किस एरिया में कितनी खेती हो रही है। तुरंत ऐसी एक संस्थान बनानी चाहिए कि जो हर जगह जाकर देखे कि किस एरिया में कितना क्या फसल हुआ है। तो इसमें समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि क्या होता है टाइम लगता है, फिर उसके बाद आंकड़े सही नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि टाइम तो निकल गया, अब दूसरी फसल का समय आ गया, यहाँ पर कौन बताएगा कि कितना इसका नुकसान हुआ, कितनी इसकी फसल निकली है। तो यह अंतराल लग जाता है जिससे भी यहाँ पर कुछ ना कुछ, अब जैसे कोई टाइम है गैप हो रहा है किसी दो टाइमों के बीच में, तो यहाँ पर एक्यूरेट थोड़ी मिलेगा ना डाटा, तो यह इसके कारण सही डाटा नहीं मिल पाता है। इसके बाद आप देखें उच्च बीमांग के प्रीमियम दरें, तो अब देखिए जैसे किसान है, अगर इन्हें प्रीमियम भी कराना है, इन्हें बीमा करवाना है, तो बीमा के लिए कुछ ना कुछ दर से पैसे देने पड़ेंगे साल में या महीने में। तो जो दरें हैं उच्च हैं, बहुत बड़ी हैं, तो छोटे छोटे किसान हैं जो प्रीमियम दरें ले ही नहीं पाते, तो इनको भी कम रखना चाहिए। इसके अलावा तीन पॉइंट और बचे हैं हमारे यहाँ पर, यदि राज्य सूचनाओं में देरी करते हैं या प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो अगर देखो सरकार है, सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, तो इससे संबंधित जो भी जानकारी है सरकार इकट्ठा करेगी, तो सरकार और प्राइवेट कंपनियां हैं जो यहाँ पर, जो प्राइवेट बैंक हैं, वह भी बीमा जो इस बीमा कराते हैं। तो अगर सरकार के द्वारा यहाँ पर देरी होती है किसी प्रकार की, जो कि हालत अधिकतर होती ही है, सरकारी कामकाज में देरी होती है, बड़े लेवल पर काम होता है, बहुत सारे ऑफिस से फाइल निकल के आती हैं, तो देरी होती है, तो इन देरी के चलते क्या होता है, जो प्रीमियम का भुगतान होता है, जो कि इन किसानों को पैसे टाइम पर नहीं मिल पाते हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं जो यहाँ पर पैसे वगैरह नहीं रिलीज कर पाते हैं, तो यह भी एक समस्या क्रिएट करता है। इसके अलावा अगर आप देखें वितरित करने की गरीब क्षमता, तो वही पॉइंट यहाँ पर है कि जैसे ही यहाँ पर पैसे देने की बात आती है किसानों को, तो गरीब क्षमता होती है, यानी कि सही क्षमता के साथ पैसे नहीं दिए जाते, ना तो टाइम पर दिए जाते हैं यहाँ पर पैसे, और दे रहे हैं तो चले जा रहे हैं, पता चला कि अभी आज के दिन यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं 3 महीने 6 महीने बाद, तो एक यह समस्या होती है कि समय पर पैसे नहीं मिल पा रहे। कमजोर क्षेत्रों में किसानों के लिए यह फायदेमंद नहीं है, तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, यह जो कमजोर क्षेत्र है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादातर फसल है जो नष्ट हो जाती है, तो कमजोर क्षेत्र होते हैं जहां पर फसल सही से उत्पादित नहीं हो पाती है, तो उस क्षेत्र में इस योजना को चलाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि
क्योंकि क्या होता है कि आपकी तो हर एक फसल नष्ट होनी है, तो सरकार इतने पैसे हर बार कहाँ से लाएगी। तो इस तरह की कुछ योजना है कि कुछ एरिया में नहीं चलाई जा सकती, कुछ ही छोटा मोटा एरिया होगा वहां पर इस तरह की योजना नहीं चलाई जा सकती, तो वहां पर कोई और भी योजना चलाई जा सकती है। तो कुछ इस तरह के यहाँ पर पॉइंट है। इसके अलावा अब यहाँ पर कुछ हमारा लास्ट पेज बचा है, देरी को दूर करने के लिए संशोधन। तो अभी जो हमने समस्याएं देखी यह सरकार को भी नजर आई, तो इनको दूर करने के लिए सरकार ने योजना में कुछ संशोधन किए। उसके अनुसार जो दिशा निर्देश है वह यहाँ है, आप देख सकते हैं। निर्धारित कट ऑफ डेट, देखिए जो कट ऑफ डेट है 10 दिनों से अधिक के अलावा निपटान में किसी भी देरी के लिए, अगर कोई भी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है सरकारी कंपनी है, तो अगर वह जो कट ऑफ डेट है उसके बाद से अगर 10 दिन से भी अधिक टाइम लगता है तो उसको यहाँ पर फिर ब्याज देना होगा। मान के चलिए मुझे यहाँ पर 10 रुपये मिलने थे आज के दिन, लेकिन आज से 10 दिन हो गए, तो यहाँ पर आज कितनी 2 तारीख है, 2 अगस्त है, 2 अगस्त को वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर मुझे यह पैसे मिलने थे 2 अगस्त को, अब यह पैसे 12 अगस्त तक भी नहीं मिले, अगर इससे अधिक टाइम लगता है तो मुझे यहाँ 10 रुपये मिलने थे, उस पर 12% ब्याज भी देना होगा। तो यह प्रावधान रखा। तो अब यह होता है कि अगर सरकार को यहाँ पर करोड़ों रुपए देने हैं तो आप सोचिए कि हर महीने 12 लाख रुपए का इन्हें क्या देना पड़ेगा, ब्याज भी देना होगा। तो अब इससे क्या होगा, जो पैसे देने में देरी होती है कंपनियों के द्वारा वह नहीं होगी। तो यह सरकार के द्वारा यहाँ पर ध्यान में लाई गई बात, और फिर इसके द्वारा इसे यहाँ पर संशोधित करके इस प्रावधान में रखा गया। इसके अलावा जो सरकारी, जो सरकार को बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट अपेक्षित प्रस्तुत करने के 3 महीने से पहले से परे सब्सिडी की राज्य हिस्सेदारी जारी करने में देरी के लिए, तो अब जो कट ऑफ डेट होती है उससे अगर 3 महीने परे यहाँ पर सरकार के द्वारा देरी होती है, सरकार योजना लाती है, सरकार के द्वारा सब्सिडी है जो, उसको यहाँ पर भेजने में अगर देरी होती है तो सरकार को भी 12% ब्याज दर का भुगतान करना होगा ताकि देरी ना हो। तो अब यह है कि अगर इतना सारा ब्याज देना पड़ रहा है तो देरी नहीं होगी, तो यह स्टेप यहाँ पर लाएगा। देख सकते हैं 3 महीने से अगर परे की बात की जा रही, सब्सिडी वगैरह पर 10 दिनों का कट ऑफ रखा गया है। तो यह कुछ पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो यह हमारे पूरा एक वीडियो लेक्चर था इस योजना से संबंधित। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, कैसा आपको वीडियो लगा, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कमेंट में दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो अब जब भी वीडियो अपलोड होंगे आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपका कोई लेक्चर, कोई भी करंट अफेयर या कोई भी जीके का जो क्वेश्चन है यहाँ से मिस नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।